नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं घी बनाते हैं। फ्रेश क्रीम से घी बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है घी। एकदम आसान तरीके से 20-25 मिनट में बन के तैयार होगा। बहुत ही आसान है घी बनाना, और घर का बना घी का बात ही क्या है। बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। चलिए बनाते हैं। मैंने ये फ्रेश क्रीम ले लिया है, दूध से निकाला हुआ। मेरी यहाँ 2 किलो दूध आता है, उससे मैं रोज़ मलाई निकाल लेती हूँ और इसको फ्रिज में इकट्ठा करती जाती हूँ। और ये एकदम देखिए, एक बाउल अच्छा से इकट्ठा हो गया है और इसमें कोई खट्टापन नहीं है, एकदम फ्रेश है। अब इसको मैं फेंट के दिखाती हूँ और घी बना के आपको बताती इसको हूँ। अच्छा से फेंटना है। फेंटते हुए एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। तो दूध को हम अलग कर लेंगे और मक्खन को लेके पका लेंगे, तो हमारा घी तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको फेंटते हुए अभी 2 से 3 मिनट हुआ है, ये इस तरह से जमने लगा। हम एकदम ठंडा मलाई लिए हैं, फ्रिज से निकाल के ले लिए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये इसमें से अब दूध अलग होने लगा है और मक्खन अलग होने लगा। इसको थोड़ा सा और कर लेंगे, दूध और मक्खन को अलग कर लेंगे। ये देखिए, दूध अलग होने लगा है और मक्खन अलग होने लगा है। बहुत ही जल्दी बन गया है ये। अब इसको हमें मक्खन को अलग करके और दूध को अलग कर लेना है और पकाना है मक्खन को। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। मक्खन, आप इस मक्खन को चाहे तो ब्रेड में, फ्रिज में रख के अच्छा से, और ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं। ये हमारा मक्खन अलग हो गया है और दूध बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये दूध को मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और मक्खन को पका के घी बनाती हूँ। मैंने मक्खन और दूध को अलग कर लिया है, ये दूध अलग हो गया है, ये मक्खन है। अब मक्खन को पका लेती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसको पका लेते हैं। दोस्तों मैंने एकदम फ्रेश क्रीम लिया है, कहीं से इसमें महक नहीं है। एक हफ्ता के अंदर अंदर मैं इसे बना लेती हूँ घी। आपके इसका पास अगर मलाई ना हो, क्रीम ना हो, तो मार्केट में क्रीम मिलता है, उसे मंगा के आप थोड़ा घी बना मजबूत सकते चम्मच में हैं। ले रही हूँ। इसे चलाने में आसान रहेगा, नीचे लगेगा तो उसको छुड़ाने में भी आसान रहेगा, इसलिए बड़ा चम्मच का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गया है। अब देखिए घी छोड़ने लगा है और 2 से 3 मिनट में इसमें से घी अलग हो जाएगा और खरवन अलग हो जाएगा। मैंने तेज आंच में बनाया है इसे, बीच बीच में आंच को स्लो किया ताकि जले ना। 1 मिनट और नीचे पक गया है। 1 मिनट में देखिए घी अलग हो गया है एकदम। और 1 से 2 मिनट, और 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तेल, अगर घी अलग हो गया है और झाग होने लगा ऊपर, तो आप समझ जाइए घी बनके तैयार है। अब इसको बंद कर देंगे, नहीं तो नीचे का खरवन है जल जाएगा। अब इसको ठंडा होने देंगे। देखिए गैस मैंने काफ़ी देर हो गया बंद कर दिया, अब इसे ठंडा होने दे रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि नीचे का खरवन जो है वो जले ना। अच्छी खुशबू के लिए घी में हमें 2-3 बूंद नींबू का रस इसमें डाल देंगे, इससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी। घी को छान लेते हैं। दोस्तों मैंने सारा घी निकाल लिया है, अच्छी तरह से कढ़ाई से को छान भी लिया है। देखिए उतना मक्खन में इतना से खरवन निकला है, जरा से
अब इसको वापस मैं कढ़ाई में ही डाल दे रही हूँ इस भगवान को। और ये मेरा कम से कम 3 पाव इसमें घी निकला है, आधा किलो से बहुत ज़्यादा है दोस्तों ये। और देखिए इस बाउल में एक बाउल मलाई था, उसको हमने फेटा, फिर इतना इसमें से दूध निकल गया अलग और मक्खन अलग हो गया। मक्खन को पका के इतना हमने घी निकाल लिया और उतना ज़रा से खरवन निकालने के बाद जो दूध बचा था उसको हम इसी खरवन में डाल के पका लेंगे। ये जो खरवन ज़रा से हमारा निकला है घी बनने के बाद, इसी में इसको डाल के पका लेंगे। इसको अच्छा से पका के सुखा लेते हैं। अच्छा से सुखा लीजिए। देखिए खोआ तैयार है हमारा, अच्छा से पक गया है, घी बन गया है। देखिए घी बन के तैयार है, मैं डाल के दिखाती हूँ। ये ठंडा भी हो गया है डब्बे में, कितना घी बना है। एक किलो का डब्बा है ये, आधा किलो से ज़्यादा घी निकल गया है। और ये खरवन है जो घी निकालने के बाद बचा था और जिसमें बचे हुए दूध को मैंने मिला के इसे पका दिया। इस खोए से आप मीठा बना सकते हैं जैसे गुलाब जामुन वगैरह, और इसमें प्याज मिर्चा डाल के इसका पराठे बना सकते हैं, या ऐसे ही चीनी डाल के खा सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, और बनाया तो कैसा दोस्तों बना? अगला वीडियो लेके मैं आऊँगी खरवन के पराठा का, उसमें मुलाकात होगी आप लोगों से। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।